गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इट्स ब्लॉग। सो गाइस, जैसे आप लोगों का मालूम होगा कि S24 जो सीरीज है ऑलरेडी ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। अभी तक मार्केट में अवेलेबल हुआ नहीं। मैं वेट करता डेमो पीस के लिए, कब तक वो मार्केट में आएगा, मैं उसको लेके एक वीडियो में अपलोड कर पाऊँ गाइज। तो फाइनली आज जो 2017 का अपलोड हुआ, 17, 18, 19, 20 है गाइज, तो फाइनली वो मार्केट में आ चुका है। तो गाइज, जो मैं बहुत सारे स्टोर पे मैं वो क्या इंक्वायरी करा था, देन मलकपेट का एक स्टोर पे जो सैमसंग का ऑथोराइज वहां से आ चुका है गाइज, मैं वहां पर इंक्वायरी भी करा था। तो वहां पे मैं कुछ ये रिक्वेस्ट भी करा था, आने से मुझे इन्फॉर्म करो, देन गाइज आ चुका है जो स्टोर पे। तो गाइज, मैं अभी मॉर्निंग को कॉल आया, तो मैं अभी आज टाइम हो रहा है 11 o'clock, अभी मैं वहां पर जो जा रहा हूँ मलकपेट जो ऑथोराइज सैमसंग का स्टोर है, अभी जाके वहां पर जगह देखते हैं स्टोर। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो S24 कैसा रहेगा, क्योंकि मैं भी सैमसंग का बहुत बड़ा फैन हूँ गाइज। मैं फ्री से लेके मैं अभी तक पूरा सेट यूज करके आ रहा हूँ, और मैं भी देखना चाहता हूँ जो AI इतना बड़ा जो मार्केटिंग करा है सैमसंग वाला, भी देखता हूँ इसके ऊपर कितना कुछ नया मिलेगा देखने के लिए, और क्या आपको वहां पर नया कुछ अपग्रेड किया सैमसंग वाले, वो मैं पूरा फुल डिटेल वीडियो में कुछ दिन बाद लेके आ जाऊंगा। अभी जो क्विक रिव्यू है गाइज, आज का डेट में अपलोड करने वाला हूँ गाइज। डायरेक्ट मिलते हम लोग सैमसंग के स्टोर पे जो कि मलकपेट में। सो है गाइज, मैं फाइनली मलकपेट जो सैमसंग का ऑथोराइज सर्विस सेंटर में वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो गाइज, यहाँ पर देख कितना प्यारा लग रहा है, देख के मैं भी पूरा मतलब फिदा हो चुका था। जो इतना फ्लैट डिस्प्ले दिया ना फर्स्ट लुकिंग में, वाव, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो सैमसंग का कर्व डिस्प्ले नहीं फ्लैट डिस्प्ले आया है, इससे पहले भी S23 में था, बट ये ना थोड़ा वो मतलब जो साइड से देखिए बेजल जैसे सैमसंग वाला बताया था, जो फ्लैट कर दिया है, अभी इस बार कर्व नहीं दिया है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसका जो साइड अब पैनल देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल अल्मीनियम पैनल है, जो S24 अल्ट्रा है उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। S24 में अल्ट्रा में आपको टाइटेनियम देखने के मिल जाएगा, इसमें नॉर्मली आपको अल्मीनियम का फ्रेम मिलता है देखने के लिए। और मैं और एक बात यहाँ पर नोटिस किया हूँ, सॉरी गाइस, और एक बात नोटिस किया हूँ ना, यहाँ पर देखिए पहले कंपैरिजन ना बहुत ही ज़्यादा हल्का हो चुका है मोबाइल, क्योंकि मैं उस जो अल्ट्रा में भी पहला जो मैं देखा तो बहुत मतलब बहुत मोटा था, और वेट भी बहुत काफ़ी था, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लग रहा था पकड़ने के लिए, कुछ पत्थर वगैरह पकड़ लिया बोल के। अभी ये देखिए इतना अच्छा, इतना मतलब कन्वीनियंस, और इतना हल्का देखने के लिए मिलता है, मतलब इतना हैंडी भी है जो S23 है, नॉर्मल प्लस नहीं, नॉर्मल जो है इतना कॉम्पैक्ट बना दिया है पीस को। और जो जो ये आप देख पा रहे हैं इसका मतलब पैनल वगैरह इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं अभी नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, जो एप्पल का पूरा यहाँ पर शेप देखिए, जो साइड का शेप पूरा डिटो वैसा ही लग रहा है, और इसको जो एंटीना वगैरह देखिए, जो कटिंग वगैरह कुछ ना कुछ मतलब कॉन्टैक्ट हो पा रहा है एप्पल से। देखिए मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है इसका जो येलो एंड जो गोल्डन का शेप दिया गया कलर में, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और एक बात देखिए, इसका जो पूरा लग रहा है ना ये, और एक मैं ये देखा था जो अल्ट्रा में, वो येलो ना पूरा येलो लाइटिंग मारा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये आपको पूरा एकदम गोल्डन का आपको शाइन मारे। तो बस इसका जो हाईलाइट है सर्कल टू सर्च, देखिए कुछ इस तरह का काम करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस कर दिया पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो फीचर्स था इससे पहले भी था, लेकिन अभी तो इसको ये क्या है ना थोड़ा कन्वीनियंस कर दिया, कि आपको इतना ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेना नहीं पड़ेगा, आपको गूगल से जो सर्च इंजिन में जाना नहीं पड़ेगा, अभी बहुत थोड़ा ईजी कर दिया। अभी देखिए इसका कुछ ये ट्रांसलेटर। सो है गाइस, ये हमारा S24 नॉर्मल जो है ये प्लस है, अब देख पा रहे इसका जो कलर ये अच्छा लग रहा है, गोल्डन है, येलो गोल्डन, और इसका जो गोल्डन आ रहा जो S24 अल्ट्रा का वो पूरा येलोइश लाइट मार रहा था, इसका गोल्डन शेप मार रहा है, तो थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी इसका टेस्ट करें हम लोग जो लाइव ट्रांसलेटर जो हाईलाइट है इसका, देखते इसका कैसा है। तो अभी हम हिंदी में कुछ बोलने वाले हैं, फिर दोनों का देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। सो है गाइस, आप लोग देख रहे हैं इट्स ब्लॉग, अभी देखता हूँ इसका लाइव ट्रांसलेटर कैसा होता है, इंग्लिश में कन्वर्ट कैसा करता है इसका। तो गाइस आप लोग देखे कुछ ऐसा रिजल्ट है इसका, विद इन अ सेकेंड ये आपको कुछ रिजल्ट दे देता है, कुछ ऐसा रहता है, शेप दोनों का अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा है बट इसका हैंडी आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो गाइस अभी इसका जो कैमरा है जो आपको मालूम है 20 मेगापिक्सल मेन कैमरा, जो 10 प्लस 12
ये दोनों में सेम है, जो एपरेचर भी दोनों के दोनों में सेम देखने के मिलता है, तो सब कुछ सेम है, जो उसका एपरेचर 18.8 एंड f2.4 जो हमारा 10 मेगा पिक्चर है, देन हमारा जो 12 मेगा पिक्चर आता है वो आता है 2.2 एपरेचर के साथ आ रहा है गाइस। दोनों में सेम इक्वल है, ओनली बैटरी में चेंजेस है अराउंड, उसमें आपको इसमें जो आता है 49 mAh का बैटरी है, और जो जो नॉर्मल है जो S24 उसमें 4000 का एमएच बैटरी, और जो हमारा प्लस है उसमें 4900 का बैटरी, और एक गाइस जो प्लस जो हमारा अल्ट्रा है उसमें 5000 का एमएच का बैटरी, जो बैटरी के मामले में थोड़ा अच्छा ही अपग्रेड किया गया है। अभी आप जो कैमरा देखें, कैमरा में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन है जो पहले के कंपेरिजन, अभी जो शेडोनेस थोड़ा कम हो गया है, बहुत बेहतरीन आपको जो आपको पूरा अच्छा से दिखाई दे रहा है, और जो बैक कैमरा में भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन है। अभी जो प्लस का बारी है, देखिए प्लस जो है ना, ये एक मैं एक चीज़ ना बहुत नोटिस किया हूँ, अभी मालूम नहीं है जो ये बताएगा कि नहीं, ये जो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी आप थोड़ा इसका कंपैरिजन मैं दे देता हूँ। इसका जो देखिए जो भी अपग्रेडेशन है, बड़ा बड़ा जो फीचर्स है पूरा अल्ट्रा में, इसलिए आपको इसका प्राइस भी बहुत हाइक है। इसमें देखिए 10x तक आपको जो आपको जो ऑप्टिकल जूम मिल जाता है जो 10x तक, उसके बाद भी आप जो जो होता है डिजिटल जूम होता है, तो क्या है ना गाइस, ये तो कहीं ना कहीं आपको देखिए जो बहुत ही बेहतरीन आपको जूम फैसिलिटी मिलने वाला, कैमरा भी बहुत अपग्रेड हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अभी इसका जो 8K तक सपोर्ट है, बट 8K ना आपको ओनली 1:5 डायरेक्ट वन, मतलब जो जूमिंग फैसिलिटी वन एंड और नहीं है तो 1x नहीं तो 5x तक आपको इसका जूमिंग जो फैसिलिटी पर मिलने वाला है, और जो 5x है ना वो आपको कुछ ब्लर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर ना कुछ अच्छा ही ब्लर इफेक्ट मिलता है जो 8K में आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो, 1 नहीं तो 5 आपको दो ही शिफ्ट हो सकता है, और अल्ट्रा HD में आपको 1 और 5, एंड फुल HD में जो है आपको अप टू जो 5x तक जो दिया डिजिटल वो आप कर सकते हैं। वीडियो में भी आपको अच्छा खासा स्टेबल मिलने वाला है गाइस, क्योंकि और एक बात है ना, जो वीडियो के साथ जो एप्पल के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो में एप्पल बहुत ही आगे निकल चुका है गाइस। मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था वीडियो में ब्लर इफेक्ट वगैरह तो अच्छा खासा निकलने वाला है, अभी जो गूगल सॉरी हमारा सैमसंग का, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि अभी तक भी वैसा ही कुछ काम कर रहा है मुझे। मैं इस बार थोड़ा कुछ बहुत ही बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी जो भी चेंजेस किया गया ना इसका जो सॉफ्टवेयर के ऊपर, और देखिए ज़्यादा इसको सॉफ्टवेयर के ऊपर अपग्रेड किया गया, थोड़ा कैमरे के ऊपर अपग्रेड किया गया, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ अपग्रेडेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, और भी आपको जो फिजिकल जो होता है उसका शेप वगैरह वही चेंजेस किया गया है। और गाइस कुछ ऐसा ही है, देखिए इतना कोई बड़ा कुछ हाईलाइट है नहीं, और प्राइस भी आपको सेम रखा गया है, जो इतना भी ज़्यादा भी हाइक नहीं किया, जो लास्ट ईयर था उतना ही है, तो देखा गया तो कहीं प्राइस का कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा ही है, कुछ ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मिड रेंज में रखा है, बट हम कुछ अलग ही लेवल का इसका एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। कुछ देखिए कुछ 8K में रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ रेजोल्यूशन को इतना ही मिलने वाला है, 8K में क्या है ना वीडियो का आपका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा आने वाला है गाइस, तो वो ज़्यादा लोग रिकॉर्ड करेगा भी नहीं। इसका जो लुक वाइज है, फिजिकल वाइज है, इसको अपग्रेड किया गया, बहुत ही ज़्यादा आपको ऑफिशियल लुक दिया गया है, बहुत ही मतलब आपको अट्रैक्ट करेगा, ये बहुत हल्का भी हुआ कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, तो एक जब तक आप हाथ में ये नहीं लोगे तब तक ये मतलब समझ में नहीं आएगा, इतना ही हल्का हो चुका है ये वेट। पहले का कंपेरिजन में ये आपको 50% आपको जो वेट कटिंग हो चुका है गाइस। मैं भी जब फर्स्ट टाइम जाके मैं हैंड में जो फर्स्ट हैंड जो उसका एक्सपीरियंस था ना बहुत ही अच्छा था, इतना बहुत ही अच्छा लुक लग रहा, तो फिनिशिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो एस पेन देखिए गाइस कुछ ऐसा ही आता है, ये अभी लॉक है, कुछ काम नहीं करेगा, छोटा मोटा की ऑप्शन काम करेगा, इसलिए कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो एक ही जो कैमरा में काम आ रहा था। मैं भी सोच रहा था इसका जो नोट वगैरह में क्या क्या जो इसका राइटिंग रेटिंग कितना है वो मैं चेक करना चाह रहा था, बट वो लॉक है नहीं, काम नहीं कर पा रहा था तो उसको स्किप कर दिया। और एक गाइस इसका जो सर्कल टू सर्च वो मैं देखना चाह रहा हूँ कैसा है, तो गाइस इसका जो सर्कल टू सर्च बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं आपको बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि इसको सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर एक काम किया गया, लाइक टू हमारा गूगल पिक्सल जो हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया था। अभी आपको ज़्यादातर देखिए अभी इसको जो गूगल पिक्सल जो अभी गूगल के साथ जो टाइप किया है जो सैमसंग वाले, तो बहुत ही जो गूगल पिक्सल का जो फीचर्स है अभी सैमसंग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइज, क्योंकि गूगल पिक्सल पहले भी जाना जाता था सॉफ्टवेयर
प्रोसेसर के मामले में। अभी गूगल पिक्सल जब ये उसका जो टेंसर जो प्रोसेसर है उसका स्नैपड्रैगन बनाया गया ना, तो सैमसंग को बीट कर लेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा मार्केट ले चुका है। तो अभी सैमसंग भी गूगल के साथ टाइप कर रहा है, तो सैमसंग स्टेप आगे बढ़ा रहा है, देखते आगे क्या होगा और क्या देखा जाता है, और सैमसंग वाले कितना ज़्यादा इसको मतलब चेंजेस कर पा रहा है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सैमसंग का फ़ैन हूँ। मुझे ये बोलते हुए बुरा लग रहा है कि मैं जितने एक्सपेक्ट किया था इस बार किया वो नहीं मिल पाया गाइस। अभी देखता हूँ इसका सर्कल टू सर्च कैसा काम करता है, उसका ट्रांसलेटर कैसा काम करता है वो देखिए गाइस। सो है गाइस, मैं अभी आया हूँ मलकपेट साई मार्केटिंग पे, इसका जो लाइव ट्रांसलेटर एक बार चेक कर रहा हूँ कैसा आ रहा है। तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, अभी देखता हूँ उसका रिजल्ट कैसा आता है। Yes, the show has just come in the yard and the court has checked on the light translator on the Malak plate symboling. Then see how the result of something is coming. गाइस और एक चीज नोटिस हुआ है, क्या है ना, जो अल्ट्रा में देखे उसका भी फुल ब्राइटनेस है, और जो हमारा प्लस मॉडल है उसमें भी फुल ब्राइटनेस है, बट उसका कंपैरिजन में इसका देखिए ना लाइटिंग लग रहा है, इसका डल लग रहा है। ये जो मतलब कम्युनिकेशन हम और शॉप के बीच में चल रहा था तो देखिए इसमें हकीकत में जो ब्राइटनेस बहुत ही कम लग रहा है, तो इसका सेम रेजोल्यूशन पे हम लोग एक बार सेट करके देखेंगे और देखता हूँ कि मतलब जेन्युइनली इसका ब्राइटनेस जो ज़्यादा बताया जा रहा है वो कम है कंपेयर टू हमारा जो S24 Plus एंड S24 है। देखिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसका ब्राइटनेस कम है, तो अभी देखते हैं दोनों का ब्राइटनेस लेवल हम लोग एक लेवल पे रखते हैं, और इसका देखिए सेम रेजोल्यूशन और सेम ब्राइटनेस, और इसका भी हम लोग सेम रेजोल्यूशन एंड सेम ब्राइटनेस पे रखें, एंड जो हमारा जो अल्ट्रा है उसमें भी हम लोग सेम रखेंगे, इसका भी सेम रेजोल्यूशन है और इसका भी देखिए सेम रेजोल्यूशन है, ये भी 30fps है और 30fps है, और अल्ट्रा भी 30fps है। अभी S24 है ये, इसमें भी हम लोग सेम रेजोल्यूशन पर रखेंगे और फुल ब्राइटनेस के साथ। अभी देखिए इसका कितना लाइट इफेक्ट आपको लग रहा है, फुल ब्राइट डिस्प्ले लग रहा है। अब इसका देखिए कितना डल लग रहा है, अभी ये वाइट कुछ प्रोग्रामिंग है या कुछ सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कि आउटडोर इंडोर में मुझे मालूम नहीं है, बट देखिए यहाँ पर जो ब्राइटनेस के मामले में आपको प्लस एंड हमारा जो सैमसंग S24। सो गाइज वीडियो कैसा लगा आपका जरूर कमेंट में बताएंगे। और एक बात जो है ना मैं नोटिस किया था, जो कि S20 Ultra में ना मुझे थोड़ा ब्राइटनेस का इशू लगा कि कंपेयर टू हमारा जो S24 समझ में नहीं आएगा अगर हकीकत में वो प्रॉब्लम है और कुछ है। ओके गाइज, जो भी प्रोसेस कर रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले से ही, मेरा चैनल का इतना बड़ा बजट है नहीं मैं उसको प्रोसेस कर पाऊँ। सो गाइज अभी वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं, और वीडियो में कुछ मैं अगर कोई चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जो डिटेल वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये चीज़ बता पाऊँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। और ये वीडियो मुझे इतना देने का रीज़न भी बहुत कुछ है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके वीडियो में कुछ ना बना के अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ गाइज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।